चलो तुम्हारा डाउट है ये पैटर्न कैसे बनेगा। फाइव है तो फिफ्थ लेटर से चालू हो, सिक्स डाले तो सिक्स लेटर से चालू हो, राइट, सेवन डाले तो सेवन लेटर से कैसे होगा। अब इसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर वो भी होता है ना, एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो वो भी देख लेते हैं। देखो एन ले लेंगे, राइट, कैरेक्टर लेंगे सी, ठीक है, आई लेंगे जे लेंगे, ये लूप के लिए ना, राइट। फिर आपको बताया था आई इज इक्वल टू वन, प्रिंट एफ एंटर एन, स्कैन एफ परसेंटेज डी, ओके एंड एन, ओके ये हो गया। अब यहाँ आई वन से ले टेन तक जाना है, आई प्लस प्लस, ओके यहाँ पे इसके लिए जे जाएंगे अंदर, वन से लेके एन आई तक, एन तक नहीं आई तक बेटा, एन तक आएंगे तो पूरा आएगा, पूरा आएगा ना, फाइव बाई फाइव। अब देखो यहाँ आपको प्रिंट कराना है कैरेक्टर और स्पेस देते हैं परसेंटेज टू सी लिख देते हैं, कॉमा सी, ओके। अब इसको मैं करता हूँ पहले सेव, ठीक है ना, इसको हम नाम देते हैं पैटर्न नीड, पता नहीं क्या पैटर्न नीड क्यों दिया, ऐसे ही दे दिया। अब ये क्या है, कैरेक्टर इज इक्वल टू समथिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, दैट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर ए लिखूंगा तो होगा क्या, तो ये कंटिन्यूसली ए ए ए प्रिंट करेगा, इसको सी प्लस प्लस कर दिया तो ये क्या करेगा, ये करेगा आपका राइट ए बी सी डी ई एफ जी एंड सो ऑन, ठीक है ना। अभी ये ऐसा आया, अभी पैटर्न हमारा ऐसा है, मैंने उसका ऐसा कर दिया, तो ऐसे करने के लिए फिर मुझे लेना पड़ेगा आई इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई, ठीक है, ऐसे कर दो और ये हो गया एन प्लस वन माइनस आई, देखो ठीक है। अब मुझे अगर सी प्लस प्लस मैंने इसकी जगह पे यहाँ लिख दिया तो ये क्या करेगा, ये करेगा प्रिंट ए ए बी बी सी सी एंड सो ऑन। लेकिन अभी आप चाहते हो रिवर्स, मेरा ई से चालू हो, ई डी सी बी ए ऐसे हो, और अगर सी इज इक्वल टू इधर लिख दिया ए तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई लाइक दिस, सॉरी ए प्लस प्लस सी प्लस प्लस, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब तुम्हें रिवर्स चाहिए, ई से चालू होके ए तक जाए, अगर मैं यहाँ फिर से एक बार याद बताऊँ, धीरे धीरे आप स्लोली स्लोली वीडियो देख लेना। अब देखो सी को इनिशियलाइज किया राइट, इधर लूप शुरू होने से पहले, तो इधर क्या प्रिंट करेगा ए, फिर प्लस प्लस ओके बी, ये लूप चलेगा ना, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर बाहर निकलेगा इधर गया, जे वाला जे पांच बार चलेगा ना बेटा, जे पांच बार चलेगा ना, वन से लेके तो आपको ये पांच बार चलाना है ऊपर, देखो ये ऊपर पांच टाइम कैसे चलेगा जब आई वन है, तो आई की वैल्यू वन है राइट, देखते हैं इसको हम ऐसे करते हैं, आई की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे है, तो जे मुझे कितनी बार चाहिए, वन से लेके फाइव, वन से लेके फाइव टाइम चाहिए ना, अगली बार वन से फोर, वन से थ्री, वन से टू और वन से वन, तो ये जे की स्टार्ट वैल्यू है, जे की स्टॉप वैल्यू है। तो यहाँ पे n हमारा क्या है, n हमारा क्या है, n इज इक्वल टू व्हाट इज n, 5 है ना, n की वैल्यू 5 है, तो मैं इधर कैसे लिखूंगा, इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 माइनस दिस, क्या आया 5 आ गया ना। अब इसको मैं अगर कॉपी करूँ, ये n मेरा फिक्स है ना, तो नीचे क्या होगा, देखो 4 5 माइनस 2 5 प्लस 1 माइनस 2, इधर कॉपी करूँगा तो 5 प्लस 1 माइनस 3 तो 3, समझ में आया। तो इतनी बार जे चलेगा ना, अब 1 टू 5 जे चलेगा, 1 टू 4, 1 टू 3, 1 टू 2, 1 टू 1 जे चलेगा, तो ये जे इतनी बार चल रहा है और उस हिसाब से आउटपुट आ रहा है। अब आपका रिक्वायरमेंट है कि भाई ए की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू जो है, वो क्या, जो मैं लेटर डालूँ 5 तो 5वें लेटर से चालू हो, छठा तो छठे से चालू हो, ऐसा ही है ना। तो बहुत सिंपल है, सी इज इक्वल टू अगर मैं लिखूँ एन तो ये हो जाएगा 6, तो अगर यहाँ n लिखा हुआ तो a आना चाहिए ना, तो a की आज की वैल्यू क्या है 65, तो अगर a 1 है तो इधर करो 64 प्लस का, बस हो गया काम पूरा। अब होना क्या चाहिए, अब c प्लस प्लस की जगह आप करोगे c माइनस माइनस, देखो ध्यान से,
और सर अभी n plus 64 पार्ट आ गए, a तो लिखो। अगर वहाँ a कांस्टेंट लिखेंगे बेटा, a फिर a के बाद a माइनस कैसे करते जाएंगे? ये अभी हमको रिवर्स में प्रिंट कराने पे c को खाली माइनस किया ना, खाली c की वैल्यू को माइनस किया। अब आप यहाँ पे डालो, समझो टेंथ लेटर पर j से चालू हो रहा है लो। अच्छा, a की वैल्यू क्या है? 65 होती है ना यार। अगर आप 1 लिखोगे तो 1 यानी 1 यानी n प्लस यानी 1 प्लस 64 क्या होगा? 65 यानी a। डायरेक्ट 65 क्यों लिखेंगे? a के बाद वापस पीछे चला जाएगा बेटा, हमें n से कर लिंक करना है ना, n से लिंक करना है ना, जो भी n डाल रहा है उतने लेटर्स मुझे लिंक करने हैं ना। समझ में आया? क्या था लॉजिक? तो था मैथ्स ही तो है जगह। बेटा ये मैथ्स नहीं तो क्या था? जय जय। ये लो ऐसा करो 4D, देखो मैं 4D लिख रहा हूँ, लो ये 5 तो क्या आ रहा है? ये नंबर ही तो है। वो कैरेक्टर क्या दे रहा है जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैरेक्टर? तो ये कैरेक्टर क्या आ रहा है लो? अब ये कैरेक्टर के नंबर कैसे आएंगे लो? तो ये नंबर ही तो आ रहे हैं, मैथ्स नहीं तो क्या है? सब कुछ मैथ्स है बच्चे। अभी बताएं आगे 4 के अंदर 4 डाल के राइट स्पेस छोड़ क्लियर हुआ ना?